जय हिंद। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप कर तो आपका जो पढ़ाई और प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, और आप सब कुछ चीज़ नोट करते हुए, एक एक क्लास करते हुए जा रहे हो आगे। तो आज हम लेके आ गए स्टेटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो इस वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, तो इसीलिए पूरा टाइम लेके बैठिए और बहुत ही शांत तरीके से पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब आवर चैनल, ये तो रोज़ का बात है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, रिलेटिव्स, कोई भी हो, छोटा भाई बहन, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो आज हम आ गए लेक्चर नंबर 5 लेके। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल्स। व्हाट डू मीन बाई वेरिएबल्स? वेरिएबल्स मीन्स ए फिनोमेना व्हिच इज कैपेबल, ए फिनोमेना व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि ए फिनोमेना एक इवेंट है व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस। जो चीज हम मेजर करने के लिए कैपेबल है, और इट कैन चेंजेस इट्स वैल्यू, जिसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से जिसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है, ऐसा चीज को बोला जाता है वेरिएबल। तो कि जिस चीज का कैलकुलेशन, जिस चीज को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और उसको क्या हो सकता है, चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से जिसका वैल्यू भी चेंज हो सकता है, इट्स नोन एज वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को किया जाता है दोनों तरीकों से, उसका क्लासिफिकेशन, एक का नाम होता है डिस्क्रीट और दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट में ये बताया गया, दीज वेरिएबल जम्प्स इन कंप्लीट नंबर्स। अच्छा, डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स है ये पूरा का पूरा नंबर का ही है, एक कंप्लीट नंबर पे इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और कंटिन्यूअस जो वेरिएबल है इसको इंटरप्रेट किया जाता है, दिस एज्यूम्स ए रेंज ऑफ वैल्यू। अच्छा, इसको एक वैल्यू का एक रेंज, एक प्रॉपर क्लास या रेंज के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है, एंड नॉट इंक्रीज इन कंप्लीट जाम्स। और ये डायरेक्टली कोई नंबर पे जाम्स नहीं करता, बट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के हिसाब से एक, मतलब कि डायरेक्ट जाम्प नहीं करता, इनडायरेक्टली फ्रैक्शंस के हिसाब से ये एक नंबर पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, सो आफ्टर दैट हियर वी कुड सी दैट रॉ डेटा। रॉ डेटा के मतलब क्या है? डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म, जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे मतलब कि हम स्टैटिस्टिक्स के लिए हमको डेटा पिक करना पड़ता है, और हम कहीं भी जाते हैं तो हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और डेटा उठा के ला सकता है। रॉ डेटा किसको बोलते हैं? जो अनऑर्गेनाइज्ड है। हम तो डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारा इंक्वायरी है, जो हमारा काम के लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को उठा के लाने के लिए एक हमको फिर से वो सारे डेटा को एक फिर से स्टडी करना पड़ता है, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काम, जो जो हमारे काम की चीज है, उसको हम पिक करते हैं। ओके, सो डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज नोन एज रॉ डेटा। तो जो डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है उसी डेटा को क्रूड फॉर्म कहते हैं, और उसी को कहते हैं रॉ डेटा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ सीरीज। अच्छा, सीरीज नाम का क्या चीज है? तो सीरीज एक क्लासिफिकेशन है, सीरीज को दोनों हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, एक उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा, तो इंडिविजुअल सीरीज और दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज की मतलब क्या है? व्हेन आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जो जब आइटम को एक एक चीज करके लिस्ट किया जाता है, एक एक नाम लिख के लिस्ट किया जाता है। जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम का किसका कितना रन हुआ, ऐसे ऊपर अगर विराट कोहली, ये 50 रन किया, एक इधर लिखता हुआ रन और इधर होता है बॉल्स, कितना बॉल्स पे ये रन किया, सपोज लिखा है 30। इधर है डीके, दिनेश कार्तिक, 40 किया, कितने रन पे, 32 बॉल में। ऋषभ पंत कितना है,
32, कितने में किया? 20 में। तो ऐसा एक जो सिंगल आइटम, जो आइटम लिस्टेड है सिंगली, अच्छा तो इसको फिर से तोड़ा जाता है दोनों हिसाबों में, जैसे अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। हाँ, इसको हम सीरियल नंबर, जैसे स्कूल का रोल नंबर, जो रजिस्टर लेके अटेंडेंस, जो रजिस्टर लेके टीचर लोग क्लास में आते हैं ना, तो वो जो नंबर होता है उसको अकॉर्डिंगली अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं एक एक करके, हो सकता है बहुत सारे स्कूल का जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है मेरिट बेसिस भी होता है, और कहीं पर भी अल्फाबेटिकली जो स्टूडेंट्स का नाम आता है उसी के हिसाब से भी हो सकता है। और एक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग मतलब स्मॉल से, मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल से हाई एंड हाई से स्मॉल। ओके, तो आ जाता है अभी फ्रीक्वेंसी में। हम ये वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देता है कि फ्रीक्वेंसी ही आगे का जितना सारा कैलकुलेशन आएगा सब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगा। तो स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा डिपेंडेंट है ऑन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम्स रिपीट इटसेल्फ, नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम रिपीट इटसेल्फ, जो चीज मतलब कि एक टाइम के हिसाब से बार बार होता है। तो इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को क्लासिफाई किया जाएगा, तो दोनों नाम आएगा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का क्लासिफिकेशन, चलिए बहुत डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप चलिए समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल्स। एक एग्जांपल हम लेके आए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। तो इधर है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स हु गॉट फॉलोइंग मार्क्स। तो इधर 30 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, और चलिए तो देख लेते हैं कितना बार एक मार्क्स बार बार रिपीट हुआ। इधर 15, 12, 18, 21, 27, 32, 18, 32, 36, 38, 12, 15, 15, 18, 36, 32, 38, 32, 15, 12, 16, 18, 21, 18, 27, 38, 21, 12, 27, 32। तो इधर है 30 स्टूडेंट का मार्क्स, और वो मार्क्स कितना बार एक एक मार्क्स बार बार रिपीट हुआ है। तो उसी चीज़ को जानने के लिए तो चलिए पहले हम तैयार करते हैं एक फॉर्मेट। तो इधर हम ऐसे करके लिखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और इधर हम समझेंगे आज टैली मार्क्स। टैली मार्क्स शायद आप लोगों से बहुत लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए आज सीख लेंगे हम। इधर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के मतलब क्या है, जब एक चीज बार बार रिपीट होता है, कितना बार रिपीट हुआ उसी को कहता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो चलिए जान लेते हैं। तो इधर कितना सारा मार्क्स है पहले हमको वो इधर रिकॉर्ड करना है एक एक करके। तो एकदम पहले है 15। अच्छा तो 15 सबसे पहले है, फिर आता है इसको हम लाइन बनवा देंगे, एक अलग रो बनवा देंगे इसको। फिर आता है 12, उसको भी हम रो बनवा देंगे। फिर आता है 18, तो इसको भी हम रो बनवा देंगे। और इधर आता है फिर 21, 27, 32, अच्छा फिर आ गया 18, 18 हो गया, 32 हो गया, 36 आ गया, फिर 36 के बाद 38 आ गया। जो चीज बार बार रिपीट हुआ उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इधर हम सिर्फ एक बार सबका नंबर रिकॉर्ड करेंगे, फिर देखेंगे कितना बार एक मार्क्स बार बार रिपीट हुआ। फिर आ गया 12, 15, 15, 18, 12, 15, 18, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया, 36 हो गया रिकॉर्ड, 32 भी हो गया रिकॉर्ड, 38 भी हो गया रिकॉर्ड, 32 आ गया, 35, 15, 12, 16, 16 अभी तक नहीं रिकॉर्ड है तो 16 लिख देते हैं इधर 16। फिर 18, 21 भी हो गया रिकॉर्ड, 18 भी हो गया रिकॉर्ड, 27 भी हो गया रिकॉर्ड, 38 भी हो गया, 21 हो गया, 27 भी हो गया, 32 हो गया। तो इतना सारा ही है मार्क्स। तो पहले तो चलिए जान लेते हैं कि टैली मार्क्स क्या है। तो टैली मार्क्स क्या है, टैली मार्क्स को अगर कोई चीज एक बार रिपीट हुआ तो उसको एक बार हम लिखेंगे ऐसे आई के हिसाब से, फिर दो बार रिपीट हुआ तो उसको लिख देंगे एक और, फिर तीन बार रिपीट हुआ तो उसको हम तीन नंबर वाला दाग दे देंगे, फिर चार बार रिपीट हुआ तो चार नंबर वाला दाग दे देंगे, और अगर चार बार से ज्यादा हो गया तो जो फाइनल पास नंबर वाला दाग है उसको हम ऐसे दे देंगे, मतलब कि चारों को हम ऐसे करके कर्व करके काट देंगे। ठीक है, फिर आ गया पांच के बाद, फिर आ गया तो उसको हम ऐसे करके छह नंबर वाला
दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इधर कितना सारा टैली मार्क्स आता है। तो पहले जो आता है 15, तो 15 कितना बार रिपीट हो चुका है, इधर एक बार, फिर इधर दो बार, इधर तीन बार हो गया, इधर चार बार। अच्छा, तो 15 हो गया चार बार, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। ओके, तो 15 आ गया चार बार। फिर हम आते हैं 12, 12 इधर एक बार हो गया, 12, फिर 12, 12, 12 इधर भी एक बार हो गया, दो बार, इधर भी तीन बार, चार बार, तो 12 भी आ गया चार बार। अच्छा, फिर आ गया 18, 18 कितना बार रिपीट हुआ वो देखेंगे। 18 एक बार आ गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बार आ गया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके चार बार लिखने के बाद काट देंगे, ऐसे पांच नंबर वाला आ गया, ऐसे दे देंगे। ठीक है, फिर आ गया 21, तो चलिए 21 को देख लेते कितना बार 21 रिपीट हुआ। एक, फिर दो, तीन, तीन बार रिपीट हुआ 21, तो इसको हम तीन दाग दे देंगे ऐसे करके। ठीक है, फिर आ गया 27, तो 27 को भी देख लेते कितना बार रिपीट हुआ। एक, 27 27, दो और तीन, तो 27 भी आया तीन बार। अच्छा, फिर आ गया 32, तो चलिए 32 को भी मेजर कर लेते इधर। एक, दो, तीन, चार, पांच, तो 32 भी हो गया पांच बार रिपीट, तो इसको चार ऐसे लिख के पांच नंबर वाला था कैसे दे देंगे, तो समझ आ गया। तो फिर करते चलिए 36, तो 36 इधर एक बार, एक, दो, दो, सिर्फ दोनों ही बार आया दो बार, तो इसको दो दाग दे देंगे। 38, फिर आ गया हम 38, तो 38 पे एक बार आ गया, एक, दो, तीन, तो तीन बार आ गया 38। और फिर हम आ गए 16 पे, 16 कितना बार आया, 16 16 16 कहाँ गया, अच्छा 16 एक बार ही आया, 16 एक बार ही आया 16, इसको हम ऐसे दाग दे देंगे। अभी हम जितना बार जितना जो दाग आया उसको हम ऐसे करके फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। तो इधर चार आया, 15 आया कितना बार, चार बार, तो इसको हम लिख देंगे इधर आके चार। 12 कितना बार आया, चार। 18 कितना बार आया, पांच। 21 कितना बार आया, तीन। 27 कितना बार आया, तीन, ये भी पांच। 36 दो बार, 38 तीन बार, एंड 16 एक बार। तो इधर हम लिख देंगे ऐसे करके आके लिख देंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इधर हम, इधर एक मैजिक देखना, ये जो फ्रीक्वेंसी आया ना, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद ये वाले जो 30, ये रिजल्ट आएगा, 30 आएगा। चलिए देख लेते एक बार पूरा ऐड करके। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लus 3 29 plus 1 दैट इज 30। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन सही निकला। ओके, तो फ्रीक्वेंसी 30 आ गया। ऐसे करके निकाला जाता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना बार एक चीज रिपीट हुआ। ठीक है, ऐसे समझ आ गया। तो चलिए एक और बार एक चीज अभी हम समझेंगे, फ्रीक्वेंसी का टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चलिए हम अभी समझ लेते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो दोस्तों चलिए आज अभी हम जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के होता है और उसका क्लासिफिकेशन कितने तरह के होता है। तो इधर पहले वाला आ गया वो एक्सक्लूसिव, फिर इंक्लूसिव, फिर ओपन एंड, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो चलिए जान लेते हैं कैसे होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले देख लेते क्या, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कहा गया हमारा स्क्रिप्ट इधर, हाँ आ गया। तो चलते हैं 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 से 35, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, तो इसके अंदर ये है एक्सक्लूसिव टाइप आपका। सपोज इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2, 4, 6, 8, 1 ऐसे करके, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो चलिए पहले वो जान लेते हैं। एक्सक्लूसिव के अंदर जो क्लास इंटरवल है ना इधर, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और ऑब्जर्वेशन भी कभी कभी बोलते हैं। तो इधर 10 से 15 का मतलब क्या, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, 10 से 15 तक मतलब 15 के आगे वाला, 14 तक, फिर आ गया 15 से 20, तो इधर होगा 15, 16, 17, 18, 19, नॉट 20, 20 नहीं, 20 के आगे तक। फिर आता है 20 से 25, तो इधर होगा 20, 21, 22, 23, 24, नॉट 25, ओके। तो समझ में आ रहा है ना, एक्सक्लूसिव है, जो लास्ट वाला है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूसिव है ये, एक्सक्लूसिव। तो चलिए फिर हम आ जाते हैं जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, जो है इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव का एग्जांपल कैसा है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इंक्लूसिव इसका। सपोज ये आ गया ऐसा, तो इसका इंक्लूसिव का कितना है, 10 से हम देख लेते हैं, इसे 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, 20 से 24 तक, 25 से 29 तक, 30 से 34 तक। अच्छा, तो और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे करके अगर कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। सपोज सेम ही फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं। अच्छा, तो इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूडेड है, तो मतलब हम इधर लेंगे 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 14 तक ही ले लेंगे हम इसको, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको हम 14 तक ही ले लेंगे। फिर आता है 15, जो ये वाला है 16, 17, 18, 19। फिर आता है इसका 20, 24, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब ये आएगा पूरा लास्ट वाला जो डिजिट है उसको भी साथ में हम ले लेंगे, तो इधर आ गया पूरा 14 तक। समझा करो अब बात, तो एक्सक्लूसिव में के लास्ट वाला जो है उसका हम ले लेंगे, उसके आगे तक जो डिजिट है उसी तक ले लेंगे। इंक्लूसिव में क्या, इंक्लूसिव में लास्ट जो लोअर डिजिट है और जो अपर डिजिट है दोनों को ही लेंगे, इसीलिए इसको बोलते इंक्लूसिव, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब समझता है ना वो वाला। तो इसके बाद चलिए आ जाता है ओपन एंड में। तो ओपन एंड, ओपन एंड क्या दिखने में कैसा होगा हम दिखा देते आपको इधर। जैसे अगर ऐसा होता कि लेस देन 10, ऐसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है लेस देन 10, फिर आता है 10 से 20, फिर आता है 20 से 30, फिर आता है 30 से 40, फिर आता है 40 से 50। तो ऐसे करके अगर और ऐसा नहीं लिखते, तो 40, 30 से 40, फिर इधर हम इधर लिखते हैं मोर देन 40, मोर देन, मोर देन 40, मोर देन 40। तो इसका भी कुछ ऐसे 2, 4, 6, 8, 1 ऐसे करके, जिसका एन क्या है कि 0 से 10 तक सब है, 0 से 10 तक जितना भी है सब आएगा लेस देन 10 वाला जो कोटा है इसके अंदर। 10 से 20 के अंदर जो होगा तो इसका जो है वो जो सेकेंड कोटा है इसके अंदर, और अगर कुछ 40 से ज्यादा अगर कुछ डिजिट आ गया तो इसको हम लेंगे इधर, 40 से ऊपर तक जितना भी हो सकता है। ये डॉगी भी बाहर बहुत मतलब उधम मचा के रखा है। तो चलिए आप कॉन्सेंट्रेशन मत कीजिए उधर। फिर आते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको दिखने में ऐसा होता है, इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी हम उठा लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है ऐसे करके 2, 4, 1, 3 और 5। अच्छा, 2, 4, 1, 3, 5, तो इसके अंदर क्या आएगा,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला जो हम सोच लेंगे कि उसके ऊपर क्या है, जीरो है, तो जीरो इसके ऊपर वाला जो होगा जीरो के साथ ए वाला जो दो है वो एड हो जाएगा, एड हो जाने के बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा दो, फिर इस दो के साथ ए वाला जो चार है फ्रीक्वेंसी का तो ये एड हो जाएगा, इस छह के साथ ए वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो एड हो जाएगा तो आएगा सात, सात के साथ ए वाला तीन एड हो जाएगा तो आएगा दस, दस के साथ ए पांच एड हो जाएगा तो आएगा 15, ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, क्योंकि मेरा जो घर है ना ये पूरा एयरपोर्ट का आसपास में है, तो इधर मतलब कि प्लेन का जो टेक ऑफ लैंड मतलब कि आपको जी बोलो तो उसके लिए बहुत साउंड होता है इधर, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अच्छा ये आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके गाइस। अच्छा तो चलिए और अभी जान लेते हैं जो लास्ट वाला है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी, तो कैसे किया जाता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी चलिए जान लेते हैं। अच्छा तो अभी हम ले लेते हैं मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल। तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी कैसे दिया हुआ रहेगा, तो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी के मतलब आपको इधर एक मिडिल वैल्यू दिया हुआ रहेगा और इससे आपको निकालना है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल निकालने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो तो दिया हुआ ही होगा। तो चलिए जान लेते हैं मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी, जैसे किसी भी क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू अगर दिया, आपको बताया ना कैसे मिडिल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, अगर नहीं पता है तो चलिए एक थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके एक है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो सपोज मिडिल वैल्यू दिया हुआ है कि मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, तो सपोज ऐसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपका 10 से 0 से तो 5 मिडिल वैल्यू दिया हुआ है 5 15 25 35 45 तो ऐसे दिया हुआ है मिडिल वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ है। तो ऐसे दिया हुआ है मिडिल वैल्यू और मिड वैल्यू का जो फ्रीक्वेंसी वो भी शायद आपको दिया हुआ है ऐसे करके 2 4 6 8 1 ऐसे करके। तो कैसे किया जाता है मिडिल वैल्यू से आपका क्लास इंटरवल का कैलकुलेशन, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे इधर कि मिडिल वैल्यू का होता है जो क्लास इंटरवल का क्या होता है, एक लोअर होता है एक अपर होता है, ठीक है। तो लोअर वाला का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, लोअर का ऐसे करेंगे एम माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो एम व्हाट डू मीन बाई एम, एम मीन्स द मिडिल वैल्यू, ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर एम मीन्स द मिडिल वैल्यू दैट इज 5 एंड हाफ। तो आई, आई मीन्स व्हाट, आई मीन्स द गैप, आई मीन्स डिफरेंस, आई इक्वल्स टू डिफरेंस दैट इज 10। सो तो कितना आएगा 5 माइनस 5 0, तो क्लास इंटरवल कितना है 0, तो इसका जो क्लास इंटरवल हम इधर ऐसे करके लिखेंगे 0। और जो अपर है, जो अपर का जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो है अपर का कैलकुलेशन होता है ऐसे एम प्लस हाफ फाइव। तो एम क्या है, एम है 5 हाफ आई मीन्स 10, 5 प्लस 5 प्लस 10 10 0 से 10 ऐसे करके हम निकालेंगे हर एक का। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो लोअर का क्या फॉर्मूला है, लोअर एम माइनस हाफ डू आई, और अपर का क्या है, अपर एम प्लस हाफ इंटू आई मल्टीप्लाई बाई आई। अच्छा फिर हम कैलकुलेट करते हैं 15 का, तो मिडिल वैल्यू क्या है 15 हाफ मल्टीप्लाई बाई आई, आई कितना है 10, तो आई तो एक ही है 15 माइनस 5 दैट विल बी 10, तो विल लाइक है 10। और इसका क्या लेंगे 15 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई आई दैट मीन 10, तो 15 प्लस 5 दैट विल बी 20। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्लास इंटरवल जो लिया गया वो कितने डिफरेंस से लिया गया, 0 से 10, 10 से 20, तो अगला हम सोच सकते हैं ऐसे ही होगा 20 से 30,
30 से 40 एंड 40 से 50 ऐसे ही किया जाता है। इसका कैलकुलेशन आ गया समझ में? तो इतना तरह की होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, क्या मतलब की इतना एयरपोर्ट के पास में रहता हूँ, मतलब की एक वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर 10-12-15 प्लेन इधर उधर चलता ही है, इसलिए हमको पता है कि हमें भी दिक्कत आता तो आपको आप लोगों को भी दिक्कत आएगा, तो प्लीज इसलिए माफ कीजिएगा। अच्छा, तो इतना तरह की होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको शायद समझ में आ गया पूरा। हम एक एक एग्जांपल लेके बैठे तो बहुत ही शांत दिमाग से, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं समझ आया तो पूरा वीडियो फिर से एक बार देखिए, स्लो मोशन में देखिए, तो मतलब की रिविजन कीजिए एक बार दो बार, और पूरा का पूरा नोट्स कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए, तो आपको याद आएगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए ऐसे आज का वीडियो इतना ही तक था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चार पांच वीडियो के अंदर पूरा क्लास खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, फिर हम स्टैटिस्टिक्स का जो पहला वाला जो न्यूमेरिकल चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।